हे गोपीचंद। हाँ माताजी। मैंने माना कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने तेरे को जोग धारण करने के लिए कहा। अच्छा। हे बेटा, तेरी 16 रानी, तेरी 12 कन्या रो रो के मर जाएंगी। बेटा तू घर वापिस चल और अपनी इस माँ की विनती को स्वीकार कर। मेरी बात को सुन ले माताजी। कहिए। देखिए, आपने मुझे कहा था कि बेटा तू योगी हो जा, तू योग ले ले। माताजी, मैंने आपके कहने से योग धारण किया है और अब मैंने जब ये योग धारण कर ही लिया है, मैंने ये साधु का चोला पहन लिया, तो माताजी मेरी मजबूरी रहेगी, मैं अब घर नहीं जा सकता। परंतु बेटा, हाँ, तूने मेरे हर आदेश का पालन किया है। अच्छा। और आज एक माँ तेरे को कोई आदेश देने के लिए नहीं आई, बल्कि तेरे से अनुरोध करने के लिए आई है। घर वापिस चल गोपीचंद, इस हट को छोड़ दे और मेरी बात सुन ले। कहिए। गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर ने चाहिए। गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा, वापिस घर ने चाहिए। गोपीचंद बनाया फकीर माता, हाँ। मिटती नहीं मिटाए ते कर्मों की लकीर माता, भस्म रमा के रे जोगी बन गया, ना चाहिए जागीर माता। भस्म रमा के जोगी बन गया, ना चाहिए जागीर माता। अरे वापिस चाल महल में बेटा, माँ तेरी समझाती रे, बिना तुम्हारे देखे मुझको नींद तलक ना आती रे। नाने नौ से दूर करया मेरी फाटन लाग छाती रे। नाने नौ से दूर करया मेरी फाटन लाग छाती रे। हो माड़ा रा की घा बेटा, मणी रह गए मैं घालिए। गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा, वापस घर में जालिए। गोपीचंद मेरे बहुत घनी समझाई री माता। हा? बार बार मैं मना करूं था। हा? तेरी समझ ना आई माता, अब तो करूं गुरु की सेवा। हा? तेरी इसी में भलाई माता, अब तो करूं गुरु की सेवा, इसी में भलाई माता। अरे उस दिन तो मन ख्याल किया ना, अकल मेरी चकराई बेटा। हो जा अमर शरीर पुत का, सोचे थी तेरी माई बेटा। के बेरा था जोग देवा के,
सर चढ़ जा कर तो कर लिख्याल हो बेटा लोग नगर के आलिए गोपी चंद मेरे नाल हो बेटा वापिस घर भगताई हो जागी गोपी चंद तेरा अमरे बने माँ सफल कमाई हो जागी जैसी इच्छा थी तेरी वा पूरी माई हो जागी नहीं बेटा जैसी इच्छा थी तेरी वा पूरी माई हो जागी हे गोपी चंद हाँ माताजी मैंने तुझे जोग दिलाया अच्छा सिर्फ एक उद्देश्य था कि जहां में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन इस पृथ्वी से जाना पड़ेगा और ये मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी बेटा। मैं नहीं देख सकती थी कि गोपी चंद की कंचन सी काया ये मिट्टी में मिल जाए, इसलिए मैंने तेरे को कहा कि जोग धारण कर ले। मेरी बात को सुनिए माताजी। कह दे बेटा। आपसे बार बार मैंने मना किया था लेकिन आपने एक बात मेरी नहीं सुनी। आपने मुझे बहुत ज्यादा कहा कि बेटे गोपी चंद तू योग ले ले, जोगी हो जा। माताजी आपके कहने से जोग लिया है। आज मैंने ये साधुओं वाला बाना पहना है, अपने कान बिंधवा लिए और ये अंग भभूति मेरे गात में मली है माँ। अब मुझको जोगी ही रहने दे, मैं घर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। लेकिन गोपी चंद हाँ अरे सोलह रानी तेरी महल में रो रो रुधन मचावे रे, अगर नहीं तू चलेगा वो विष खा के मर जावे रे। बारह कन्या बिना बाप के अपनी जान खपावे रे। बारह कन्या बिना बाप के अपनी जान खपावे रे। ओहो जा धर्म घटाऊंगा दे आशीर्वाद माता तेरी कोन्या को लजाऊंगा। चाहे कुछ भी कर ले अब तू घर ना वापस जाऊंगा। और चाहे कुछ भी हो जावे मैं घर ना वापस जाऊंगा। अरे मत कर तू इनकार लाडले डूबा ढेरी हो जाएगी मेरे लिखे परले होगी रात अंधेरी हो जागी। कविता ही हरे राम बैसले
रोशन तेरी हो जागी। कविताई हर राम बेस ले रोशन तेरी हो जागी। ओ धरी के गुरु का ध्यान हो बेटा लह सूर में तू गारी गोपी चंद सोनू टैक कैसे।